नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में इन दिनों भरपूर बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है मानसून में, और बीजेपी के नेताओं में भी बड़ा उत्साह दिख रहा है कि पद बरसाएंगे। कौन? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ पद बरसाएंगे, मदन राठौड़ जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कुछ पद बरसाएंगे, संगठन में बदलाव होगा, सत्ता में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। लेकिन पहले 6 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के 6 स्थानीय स्तर के नेताओं की किस्मत खुल सकती है, किस्मत का दरवाजा खुल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने मोटे तौर पर तय किया है कि 6 विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं इसमें बिल्कुल स्थानीय स्तर के, लोकल स्तर के कार्यकर्ता को जो पार्टी के प्रति समर्पित है, जिसमें जीत की संभावना भी है, लेकिन बाहर से किसी को आयात नहीं किया जाएगा, पार्टी के अंदर के कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाया जाएगा। 2 सीटें आदिवासी बेल्ट की खाली हुई हैं, सलुम्बर की अमृतलाल मीणा बीजेपी के विधायक की मौत के बाद, और 84 सीट राजकुमार रॉक भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता जो लोकसभा चले गए हैं। खींवसर की सीट और झुंझुनू की सीट कांग्रेस के हिस्से में, आरएलपी के हिस्से की सीट है, लेकिन वहां बीजेपी स्ट्रांग राज जाट उम्मीदवार उतारना चाहती है। ज्योति मिर्धा को क्या खींवसर से एक मौका और दिया जाएगा, या राज्यसभा की जो खाली सीट का उपचुनाव के लिए चुनाव होना है वहां उसके जरिए उनको राज्यसभा भिजवा दिया जाएगा, इस पर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन 2 आदिवासी 2 जाट और 2 गुजर या मीणा, या 1 गुजर या मीणा, क्योंकि हरीश मीणा की विधानसभा की सीट खाली हुई है, देवली उनियारा की सीट, और दूसरी मुरारीलाल मीणा की 2 विधानसभा सीट खाली हुई है। किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की किस्मत खुलेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मोटे तौर पर 6 पद ये होंगे, 7वां पद राज्यसभा का। कहा जा रहा है कि किसी जाट को भेजा जा सकता है, क्योंकि जाटों का विधानसभा के मंत्रिमंडल में ऊपर के स्तर पर कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, 2 डिप्टी CM है जिसमें से 1 राजपूत है, 1 दलित समुदाय से आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष सिंधी समाज से आते हैं, और ऐसे में जाट, मीणा, गुजर, इनको, और आदिवासी समझ लीजिए आप, मीणा आदिवासी को जो भी मिलाकर आप समझ लीजिए, इनको एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, खासतौर से ये देखते हुए कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जो मंत्रिमंडल में जगह है उसको लेकर पार्टी को अब कोई फैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक नहीं चल सकता कि आपका कार्यभार किसी दूसरे को दे दिया जाए। आप ना तो इस्तीफा वापस लें और ना ही सरकार इस्तीफा अपनी तरफ से मंजूर करने की स्थिति में है, पॉलिटिकल स्थिति में नहीं है। हाँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिर बेरोजगार हो गए हैं, थोड़ा लाइटर सेंस में कह रहा हूं, उनको अच्छा वाला काम मिल गया था, उनको लगा कि SC ST का जो कोटा में कोटा है, क्रीमी लेयर है, उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं उसके बाद राजनीति होगी, उनको राजनीति में थोड़ा चमकने का मौका मिलेगा। पिछले दिनों ने उन्होंने तो सीधे तौर पर एक तरह से चेतावनी तक दे दी कि SC ST कोटा में जो मिला हुआ है SC ST रिजर्वेशन, उसमें जरा सी भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नहीं तो वो आंदोलन में कूद पड़ेंगे और प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शेंगे, इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार कर दिया, अच्छा वाला काम मिला था डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को। प्रधानमंत्री ने खुद ही SC ST के जो बीजेपी के सांसदों हैं उनकी बैठक में कह दिया कि SC ST के आरक्षण की जो मौजूदा व्यवस्था है वो बरकरार रहेगी, बीजेपी इसमें किसी तरह के छेड़छाड़ के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। क्रीमी लेयर को लेकर तो साफ तौर पर मना कर दिया गया, हालांकि क्रीमी लेयर एक सुझाव भर था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन एक
नैरेटिव बनाने में लगी थी अपोजिशन की पार्टियां, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की कांग्रेस समेत, कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, बीजेपी क्या पता क्रीमी लेयर लागू कर दे और जातियों में भी कोटा में कोटा लागू कर दे और फिर जो बहुत ही पिछड़ी हुई उपेक्षित जातियां हैं वो अपने कोटे की सीटें नौकरी के हिसाब से या शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के हिसाब से भरने में कामयाब नहीं होंगी तो नॉट फाउंड सूटेबल का टैग लगा दिया जाएगा और जनरल कैटेगरी को वो सीट दे दी जाएगी। खैर मोदी जी ने वो भी खत्म कर दिया। राज्यसभा में सतीश पूनिया का नंबर लग सकता है। मोटे तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी जाट को ही भेजा जाएगा, लेकिन दिल्ली से भी किसी को भेजा जा सकता है। दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जैसे बिट्टू हैं, एक दो और नेता हैं, उनको राज्यसभा के थ्रू मंत्री राज्यसभा के थ्रू संसद भिजवाना जरूरी है क्योंकि वो अभी कहीं से राज्यसभा के मेंबर नहीं है, लोकसभा के मेंबर नहीं है और मंत्री बने हुए हैं, तो छः महीने के अंदर उनको कहीं ना कहीं से चुनकर आना पड़ेगा। तो क्या राजस्थान में जैसे कांग्रेस ने बाहर से वेणुगोपाल को, कांग्रेस ने बाहर से सोनिया गांधी को, तिवारी प्रमोद तिवारी बाहर से इनको राज्यसभा भिजवा दिया, तो क्या राजस्थान के नेताओं की एक बार फिर उपेक्षा होगी? और यहाँ से नजमा हेपतुल्ला भी गई हैं और बीजेपी भी बाहर के किसी नेता को राज्यसभा में राजस्थान के माध्यम से भिजवा देगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। खैर ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं सतीश पूनिया की किस्मत चमक सकती है। हरियाणा का भी प्रभारी बनाया गया है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उनको अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो जाटों का विश्वास अर्जित करने में थोड़ी आसानी होगी। विनेश फोगाट वाला मसले के बाद तो जाट नेताओं की भूमिका या उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जहां तक 6 विधानसभा उपचुनाव की बात है तो मैंने आपसे कह दिया लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने जिस तरह विधानसभा चुनाव लड़ा था उससे बीजेपी ने सीख ली है, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियां सबसे बड़ी बात है। भजनलाल शर्मा का दिल्ली जाना हुआ है, दिल्ली में वो बात करेंगे, राजनीतिक नियुक्तियों पर बात करेंगे। स्वाभाविक है कि कोशिश होगी कि 10 विधानसभा के उपचुनाव से पहले ठीक ठाक संख्या में राजनीतिक नियुक्तियां कर ली जाएं। राजनीतिक नियुक्तियों से मतलब है बोर्ड के जो पद खाली पड़े रहते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष के पद, कॉरपोरेट के अध्यक्ष के पद और बहुत सारे ऐसी नियुक्तियाँ, अलग अलग तरह के 15-20 किस्म के बोर्ड हैं। गुजरों के लिए अलग बोर्ड है, लोक कलाकारों के लिए भी अलग बोर्ड है और अन्य जाति जनजातियों के विकास के लिए भी अलग अलग बोर्ड बन गए हैं और उनके अध्यक्ष पद के लिए नियुक्तियां होनी है। तो वहां भी स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां देने पर तेजी से विचार हो रहा है। कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि जाते जाते राजनीतिक नियुक्तियां दी थी, इससे नेताओं को या जाति विशेष को खुश करने की कोशिश हुई लेकिन वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाए क्योंकि नियुक्ति जिन अध्यक्षों को दी थी उनको काम करने का मौका ही नहीं मिला। अगर सरकार, भजनलाल सरकार शासन के पहले ही साल में इस तरह की नियुक्तियां कर देती है तो उसका एक राजनीतिक फायदा बीजेपी को जरूर मिल सकता है। ऐसी नियुक्तियां कुछ लोग कह रहे हैं 2 दर्जन, कुछ लोग कह रहे हैं 3 दर्जन तक हो सकती हैं। अंत में मंत्रिमंडल में फेरबदल, पुनर्गठन, अभी थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आंकलन हो रहा है। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है और उसके हिसाब से अलग अलग फाइलें, अलग अलग रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जब भी फैसला होगा आला कमान के साथ मिलकर फैसला होगा लेकिन रिपोर्ट स्थानीय स्तर पर ही जाएगी, कोई बाहर की एजेंसी आकर आंकलन नहीं करेगी जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था कि बाहर की एजेंसियों ने आकर उम्मीदवारों के चयन में भूमिका निभाई थी और बीजेपी 11 सीटें हार गई थी। इससे भी बीजेपी ने बड़ा सबक लिया है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।